बेंजो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली म्यूजिकल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मैं हूं सचिन चित्तौड़ा, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सचिन चित्तौड़ा ऑफिशियल में। आज अपना लेसन है 14। आज मेरे पास कमेंट आई थी कि झाला मिलाना सिखाइए, तो झाला मिलाने के लिए मैं बता दूं आपको, झाला दो प्रकार से मिलता है, एक तो कोमल घास है और एक कोमल सॉरी एक तो कोमल घास है और एक शुद्ध गा। तो जो शुद्ध गा वाला झाला रहता है वो आता है अपने को राग भोपाली यमन वगैरह इनमें काम में आता है, और जो कोमल गा वाला झाला रहता है वो आता है राग शिवरंजनी दरबारी वगैरह राग में इनमें काम में आता है। तो अभी मेरा झाला मिला हुआ है, ये मिला हुआ है शुद्ध गा मतलब कि राग भोपाली में, ये वाला झाला काम में आएगा। जैसे कि झाला ओनली चार तार का रहता है ना, तो इसको मिलाना है सा गा पा सा पा गा सा। तो जो अपना सा गा पा सा है इससे मिलाना है, पहला तार जो झाले का पहला तार है ये वाला, झाले का पहला तार सा से मिलाना है ना। तो अभी मेरा तो झाला मिला हुआ है पहला तार सा से, आपको एक बार और उतार के फिर वापिस चढ़ाना सिखाऊंगा है ना। तो पहला तार आ गया सा पे है ना, पहला तार ये झाले का पहला तार। फिर दूसरा झाले का दूसरा तार, ये रे नहीं डायरेक्ट गा, सारे गा जो गा है ना अपने को दूसरा तार उससे मिलाना है गा से। दो तार मिल गए है ना, अब तीसरा नंबर का जो झाले का तीसरे नंबर का तार है पा सा गा पा। माँ को यूज में नहीं करना, शुद्ध माँ को भी यूज में नहीं करना और ना तीव्र माँ को यूज करना है, डायरेक्ट पा सा गा पा। तीन तार मिल गए हैं ना, सा गा पा और अब डायरेक्ट सा, जो अपना पा के बाद में धा आता है और नी आता है उसको यूज में नहीं करना, डायरेक्ट सा। तो अब अपने झाला टोटल चारों तार झाले के चारों तार मिल चुके हैं ना, तो सा गा पा सा। राग भोपाली में देखिए झाला कितना क्वालिटी देता है, कितना अच्छा लगता है। सा गा पा सा सा गा पा सा सा गा पा सा। अब राग भोपाली का तो झाला तैयार हो गया, अब राग शिवरंजनी का झाला कैसे है उसको भी एक बार देखेंगे। तो राग शिवरंजनी का झाला मिलाने के लिए ओनली अपने को बस गा, जो अपना शुद्ध गा था जैसे कि सा गा, शुद्ध गा है ना, उसको उतार कर अपने को कोमल गा पे लाना है, फिर उसको उतार के इस पे लाना है अभी अपना गा पे यहाँ पे, तो इसको उतार कर कोमल गा पे। तो देखिए पा भी सेम ही रहेगा और जो लास्ट वाला सा है वो भी सेम रहेगा, उनको कोई उतारने की जरूरत नहीं है ना चढ़ाने की जरूरत है, ओनली बस जो अपना शुद्ध गा था उसको उतार कर कोमल गा पे लाना है। तो ये बन गया अपना राग शिवरंजनी का झाला, तो देखते हैं कैसे कैसा लगता है राग शिवरंजनी में।
सा ग प सा सा ग सा ग प सा जो ओनली बस मेन बात क्या है ना, कुछ वो जो अपना शुद्ध गा पे गा रहता शुद्ध गा, उसको उतार के डायरेक्ट कोमल गा पे कर देना तो ये बन जाएगा राग शिवरंजित का झाला। अब वापिस राग भोपाली का झाला तैयार करना हो तो उसके लिए क्या करना है, जो अपना कोमल गा है उसको चढ़ाना है हल्का सा। चढ़ गया उसके बाद में ये बन गया राग भोपाली का, राग यमन का झाला तैयार हो गए। मेन बात क्या है ना कि बस अपने को सा गा पा सा इसी से झाला मिलता है, तो बस जो अपना जैसे कि राग भोपाली का झाला है वो बस शुद्ध गा से मिलेगा, और राग जो शिवरंजन का झाला है वो कोमल गा से हल्का सा उतारना है उसको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए झाले को मिलाइए। Thanks for watching this video.